तो कैसे आप सभी लोग, आइयो बढ़िया होगे। और आज हम खड़े हैं एक ऐसी गाड़ी के सामने, लोगों देख के आप समझ गए होगे, जिसका इंडिया में अपना अलग ही टोरा है। जी हाँ, हम खड़े हैं महिंद्रा थार के सामने, 4x4। इसका इंडिया में अलग ही रुतबा है अपना। और आज इसका हम ओनरशिप रिव्यू लेंगे, क्योंकि उसके जो ओनर है वो अपने साथ ही है, तो इसका हम ओनरशिप रिव्यू लेंगे उनसे ही, और इससे थोड़ी सी ऑफ रोडिंग भी करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे साथ है महिंद्रा थार के ओनर मिस्टर आयुष त्यागी। क्या हाल चाल हो रहा है भाई? तो भाई, जो भाई अपना मुझे मुजफ्फरनगर से है, यहाँ पे भाई की फैक्ट्री है बिगड़सपुर में, जो भाई अपने चेन्नई है। तो भाई आयुष, मैं इससे पूछना चाह रहा, जैसे आपके पास महिंद्रा थार है, पहली बात तो ये बताओ कलर ये वाला लेने का क्या होता, मतलब? भाई ब्लैक को मांगे मेंटेनेंस, और मेंटेनेंस इसका एक और आवा है, स्पेस ग्रे सा आवा है वो कलर। भाई वो पसंदीदा, या तो ब्लैक ही लेनी थी या फिर रेड ही लेनी थी। अच्छा, भाई थोड़ा पार्किंग का इशू है, तो इसी वजह से उसे रोज कहाँ साफ करता, अब यहाँ ला के साफ करता तो कोई यहाँ तो अपने पास बहुत यहाँ से तो वैसे इतनी धूल रहा है कि नहीं, धूल रहा है। यूँ तो सफाई के लिए यहाँ स्पेस भी है, सब कुछ है खड़ी करने के लिए, लेकिन घर पे थोड़ा दिक्कत है, तो इसी वजह से भाई बिल्कुल बिल्कुल इसीलिए रेड कलर लिया। बिल्कुल मेंटेनेंस लो है इसकी। 4x4 में अपनी थार है ना, 4x4 में, जिसका जो भाई पेट्रोल में क्या था, मतलब पेट्रोल में डीजल में भी ले सके थे? जितनी भी गाड़ी रखी सारी पेट्रोल रखी है, i20 रखी है, नया मॉडल 2021 में ली थी। पेट्रोल में अपना टॉर्क वगैरह भी ज्यादा मिल जावे इसमें? भाई हाँ, 150 Nm की टॉर्क है इसमें। जी भाई 150 Nm की टॉर्क है इसमें। इंजन में आवाज नहीं है, डीजल के इंजन में बहुत ज्यादा आवाज है, स्टार्टिंग से ही पेट्रोल गाड़ियां चलाई। तो एक बार मैं इसको स्टार्ट करके दूंगा बिल्कुल थार, मतलब मैंने जब पहली बार इसको सुनी थी, इसका मैं थार है यो जो थार है, नॉइस नहीं है भाई बिल्कुल भी। बाकी बात कर लेते हैं भाई इसके ओनरशिप रिव्यू की। भाई जैसा पेट्रोल में थार आपके, तो मतलब एवरेज वगैरह से खुश हो? भाई ठीक है, थार है भाई, देख रहा एवरेज कितने का ले रहा? बिल्कुल 17-18 लाख रुपए खर्च कर रहा था, वो एवरेज देखेगा। अच्छा, ये अपना मॉडल हार्ड टॉप ही है भाई? हार्ड टॉप है, टॉप मॉडल है, इसके बाद ऑटोमेटिक आता है। और ये मैनुअल में अपने थार? मैनुअल में। बिल्कुल ठीक, 4x4 में अपनी मैनुअल थार है। ये पेट्रोल में एवरेज कितना निकाल देते हैं भाई? एवरेज इसका अगर आप नॉर्मल चलाओगे तो 10 से 12, और अगर आप इसे भगाओगे तो भाई 4-5 6 बस। तो भाई बात कर लेते हैं इसके टायर साइज की, तो उसमें आपको मिल जाते हैं 18 इंच के टायर और 18 इंच के एलोई मिल जाते हैं, 80 वाले टायर मिलेगा आपको इसमें। और बात कर लेते हैं फ्रंट से, तो इसमें मिल जाता है हेडलैम्प जो है पुरानी थार के राउंड शेप में जो आवा थे अब तक, इसमें वही आवा है। इधर मिल जाता है आपको इंडिकेटर, नीचे की साइड मिल जाता है फोग लैम्प, और इधर मिल जाते हैं आपको महिंद्रा की ग्रिल। तो भाई बात कर लेते हैं इसके विंडशील्ड की, तो भाई विजिबिलिटी कैसे रहती है अंदर से? भाई बहुत सही है, मतलब बिल्कुल, मतलब जैसे और गाड़ियों कंपैरिजन में भाई बोनट तक दिखता है, सब कुछ दिखता है आगे तक का, ऐसा लगा मतलब कि हमें प्रॉपर ऑफ रोडर में बैठे हैं। ऑफ रोडर में बहुत, बस ट्रक में ही बैठे हैं, ट्रक में ही बैठे हैं। हाँ, इसका तो स्टीयरिंग भी ऐसा है। तो भाई यहाँ से हमको मिल जाती है हार्ड टॉप में, ये अपने जो गाड़ी का मॉडल है हार्ड टॉप है, एक इसमें आवा है सॉफ्ट टॉप में। सॉफ्ट टॉप में क्यों नहीं ली भाई? इसमें बहुत ज्यादा फड़फड़ है, बहुत दिक्कत है, मजे नहीं आते उसमें। हाँ वही है अपना हार्ड टॉप में। अब ये भाई ये जो छत है ये पूरी मतलब फिक्स है भाई? फिक्स तो है, लेकिन बता मैं, लोग अब तक किसी ने ऐसा करा तो है नहीं, ये खोल गया है ना। अच्छा, इसमें बोल्ट स्क्रू दिए हुआ है, ये सीलिंग लगा रखी, हम इसे उतार सकते हैं इतनी। अच्छा उतार सका पूरी, मतलब वो हो जाएगी। इसमें आपको मिल जाता है 2 लीटर का पेट्रोल MHO इंजन, जो कि पावर आपको देगा 150 BHP की। भाई अब हम आ गए थार के अंदर इंटीरियर में, ये देख लो भाई इंटीरियर बिल्कुल रफ टफ है। ऊपर की जो रूफ है ये कैसे भाई, हार्ड प्लास्टिक किया है? हाँ भाई हार्ड प्लास्टिक, जो पूरी की पूरी हार्ड प्लास्टिक पिलर से दे रखे हैं दोनों साइड पिलर। अच्छा। गए हुए अगर मतलब पलट भी गई बाई चांस, हाँ तो कोई दिक्कत ना आवे जिससे। ऐसा तो भाई होगा ना पहली बात कभी पलटने का, पर फिर भी कंपनी ना सेफ्टी दे रखी है अपनी तरफ से। देखो कितने मोटे मोटे पिलर है साइड में, दिखाते हो ये देखो कितने मोटे मोटे पिलर से लगा रखे है बिल्कुल। अभी यहाँ से ब्राइटनेस का इशू है थोड़ा, नहीं तो पिलर बढ़िया है, मतलब मजबूत लगा रखे पिलर इसमें। आपको इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, ये कितने इंचेस का? 8 इंचेस का ही है ना? हाँ भाई 8 इंचेस का है। इसमें आपको एप्पल कार प्ले मिलेगी इसमें भाई? एप्पल कार प्ले, एंड्रॉइड ऑटो, वायरलेस नहीं है, लेकिन वायरलेस नहीं है सारी चीजें, एंड्रॉइड ऑटो मिल जाएगा इसमें आपको, सब कुछ है इसमें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एडवेंचर मोड है इसमें, गाड़ी इसमें क्या हुआ भाई, इसमें ऑफ रोड में गाड़ी कितनी इधर घूम रही। अच्छा ये दिखावेगा पूरा, मतलब प्रेशर दिखावेगा, गियर, इसके बारे में समझाओ थोड़ा सा गाड़ी इसके बारे में भाई, इससे आगे ऊपर नीचे कितनी हो रही, आगे से ये साइड का है कितनी झुक रही, इधर उधर कितनी झुक रही, आगे पीछे कितनी झुक रही, गाड़ी हिलाने के हिसाब से।
अच्छा चेंज कर भी लेगा इसमें। और हाँ। जो जो एनिमेशन है ये भी चलेगी। हाँ भाई ये स्टेयरिंग के हिसाब से कटेंगे। अच्छा सेंटर राइट आ रहा है। हाँ अब देखो गाड़ी के इंजन स्टार्ट करा, इंजन की कोई वो नहीं है, देखो घूमता हुआ भी दिखा देगा। ये राइट साइड दिखा रहा है कटेंगे जो हाँ, पावर का इसमें ये ऑन रोड है, ऑन रोड पे अगर आपको चला टॉर्क वॉर्क सब दिखावेगा। अच्छा टॉर्क पावर सब पास पावर सब कितनी पावर। बहुत बढ़िया बहुत इको सेंस भी है इसमें, इको सेंस भी अच्छा है इसमें, इको सेंस मिलेगा अपना। हाँ भाई कि आप कितना ये तो महिंद्रा की टोटल गाड़ियों में अभी है ज्यादातर टॉप मॉडल में। इसमें आपको मिल जाएगा 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और यहाँ पे मिल जाएगा 4x4 का कंट्रोलर। ये भाई एक बार इसके बारे में समझाओ 4x4 के बारे में। भाई ऐसा है 4x4 तो अब तक इसकी लगाने की हमें कहीं जरूरत पड़ी नहीं। मैं ऑफ रोड भी ले गया इसे, हर जगह ले गया, तो अब तक इसका 4x4 लगाने की ऐसी कुछ। फिर भी कभी तो लगाया होगा 4x4 इसका। हाँ नॉर्मल लगाया, उसमें इंजन की आवाज बिल्कुल चेंज हो जाओ, मतलब पीछे का जो वो है अपना वो मोटर हुआ जो पीछे 4x4 की उसकी आवाज आती होगी ना। हाँ थोड़ी नहीं इंजन की भी आवाज चेंज हो जावे, बिल्कुल अलग ही चली जावे। ये सिस्टम बताओ इसका 4H भाई ऐसा है, अब तो ये नॉर्मल है, तो ये टू एच पिछले दो टायर पे चल रही है, पिछले दो टायर पे जी। अब 4H का, 4H का मतलब है 4 हाई, 4 हाई, 4 हाई में चारों टायर घूमेंगे हाई स्पीड, पावर पूरी देगी। उसके बाद भाई ये 4L का मतलब है 4 लो, मतलब स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी, टॉर्क बढ़ जाएगा, पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, इसपे इंजन पावर बढ़ जाएगा, बहुत कम लगाना चाहिए जब गाड़ी फंस जा गई। ये जब के लिए है। अच्छा जब इसमें न्यूट्रल भी इसीलिए रखा, 4 हाई से सीधी 4 लो नहीं ले जा सकते। अच्छा अगर 4 हाई से 4 लो ले गए बिल्कुल तो बहुत ज्यादा गड़बड़ है इसमें। यहाँ पे अपने कुछ कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ये वाले 3 तो एम्प्टी है, यहाँ पे 1000 लैम्प का है, यहाँ पे ड्राइवर सीट का मिल जाता है आपको। ये क्या है, 2 कंट्रोल एयरबैग्स है। अच्छा ये दूसरा, ये दूसरा भी इसी से कुछ रिलेटेड है, ऑफ 2 एयरबैग्स ऊपर मिल जाता है। मैनुअल एसी है ऑटोमेटिक, मैनुअल है तो ऊपर मिल जाता है वो मैनुअल एसी। ये एसी के ब्लोअर मिल जाते हैं, यहाँ पे इंफोटेनमेंट का कंट्रोल मिल जाता है, इधर मिल जाता है अपना डैशबोर्ड जो क्या है हार्ड प्लास्टिक में पूरी, और इधर मिल जाता है ग्लव बॉक्स बहुत ही छोटा है ग्लव बॉक्स इसमें भाई बहुत छोटा मिलेगा, तो कुछ भी इसमें एक्सपेक्ट मत करो कि अपना स्पेस मिल जाएगा आपको ज़्यादा। यहाँ पे मिल जाती है महिंद्रा की बैचिंग, ये देख लो, इधर मिल जाता है भाई बॉडी कलर्ड में डोर हैंडल्स, इधर मिल जाते हैं थोड़ी सी स्पेस, और इसके जो विंडोज का कंट्रोल है वे आपको मिलेंगे यहाँ पे। इधर हैंड ब्रेक मिल जाता है, और इधर ग्लास होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे, इधर की प्लेसमेंट यहाँ पे थोड़ा ब्राइटनेस का इशू है यहाँ पे और यहाँ पे, और साइड में बात कर ले तो यहाँ पे मिलता है आपको स्पीकर। इसमें डोर में नहीं मिलेगा आपको स्पीकर मिलेगा इसमें आपको फ्रंट में, यहाँ से आगे उस साइड भी यहाँ से है। बात कर लेते हैं स्टेरिंग की, स्टेरिंग इसमें आपको मिल जाता है हाइड्रोलिक के समझाओ एक बार हमें। हाइड्रोलिक का ये है मतलब जैसे ये ऑफ रोडर है तो अगर पावर स्टेरिंग होगा तो अपने आप ही इधर उधर भागता है, बिल्कुल है ना ऑफ रोडिंग के टाइम, तो ये हार्ड रहता है तो भाई इसे घुमाना मतलब हार्ड रहता है, पूरा हार्ड रहता है। अगर हम गाड़ी जैसे घुमाने लगे ना आपकी, तो जैसे एक्सयूवी है कोई भी गाड़ी है एक बार में कट जाएगी इतनी जगह में, लेकिन ये नहीं कट सकती भाई इसका। तो इसका स्टेयरिंग अगर पूरा घुमा दिया तो भाई सीधा खुद ही करना पड़े, वापस नहीं आता। अच्छा वैसे अपना आप नहीं घूमता, जैसे ऑटो घूम जाता गाड़ी काटते हुए बस। ये भाई ऑफ रोड है तो उसमें देना जरूरी है। इधर आपको मिल जाते हैं स्टेयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स, उधर अच्छा क्रूज कंट्रोल भी है इसमें जी भाई। देखो कितनी बढ़िया बात है, क्रूज कंट्रोल लगा के अगर चलाऊ ना मैं 80 पैसे तो भाई ये 16 से 17-18 तक भी पहुंच जाए इसका एवरेज, 18 तक पहुंच जाए पेट्रोल में पहुंच जाता है अगर क्रूज पे गाड़ी चला रहे हो हम। हाँ वो स्पीड सेट हो जाए ना फिर। मैं चंडीगढ़ गया था भाई, तो चंडीगढ़ में क्रूज पे लगा के गया था इसे 100 पे। अच्छा 15-16-17 तक पहुंच गई थी इसकी, 15-16-17 तक पहुंच गई, 17 तक एवरेज चला गया था भाई इसका। भाई देख लो ऐसा नहीं है महिंद्रा थार बिल्कुल ही कम ही एवरेज देगा अगर सही से चलाओ, बिल्कुल बेकार चलाओगे मतलब तुम कुछ पता ही नहीं क्या कर रहे क्या नहीं, तो भाई इसका आज ऐसे उल्टी सीधी चलावे। हाँ उल्टी सीधी चलावे, कहीं भी डाल दी कहीं भी क्लच का ज्यादा। तो 4x4 में क्या एवरेज दे भाई अपना? भाई 4x4 में इसका 5-6 का रह जाता है, 5-6 का रह जावे। हाँ भाई देख लो 4x4 भाई थार लेनी इतनी भी आसान नहीं है, इसमें एवरेज का भी देखना पड़ेगा। और पेट्रोल में वैसा पेट्रोल तो मैंने इतना ऐसे लोगों की गाड़ी है जिनके पास एक सेकंड कार है अपनी। अच्छा तो मतलब शौक के लिए है भाई, शौक के लिए है, मैं चला रहा हूँ इसे, मेरी ये फर्स्ट सेकंड सब यही है, यही है भाई का। तो भाई तो जावे भाई मतलब फैक्ट्री से अगर घर से फैक्ट्री इतना ही है, मेरा तो यही है 20-25 किलोमीटर का उतना होगा यहाँ से रास्ता। हाँ 30 किलोमीटर बैठ जाता है, 30 किलोमीटर अगर रोज का आना जाना उसमें कंफर्टेबल है था हर। इतना तो कंफर्टेबल है, लॉन्ग रूट पे भी गया हूँ मैं इसे, सीधा शिमला लेके गया हूँ। अच्छा
चंडीगढ़ गया हूँ, सीधा इससे मैं हरियाणा गया हूँ, बहुत दूर दूर गया हूँ, लेकिन कंफर्टेबल है, कोई नहीं, मैं 250-300 किलोमीटर मैंने नॉन स्टॉप चलाई है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत बढ़िया भाई। बाकी फैमिली वगैरह को ले कुछ इशू सीटिंग वगैरह के लिए? फैमिली तो भाई, फैमिली कार तो है ही नहीं है। फैमिली कार नहीं है? नहीं भाई, तो फैमिली तो बैठती भी नहीं इसमें। मना कर दे? नहीं, वैसे भी नहीं बिठाता भाई, फैमिली कार है ही नहीं इसमें, बैठने का सिस्टम ही नहीं है, दो जने जा सकते हैं इसमें बस। यहाँ से देख लो, यहाँ से पीछे जो सीट है, या तो मतलब बच्चों के लिए समझो, क्योंकि इसमें अगर हमारे जैसे हो गए 6-6 फुट से ऊपर है अपनी तो हाइट दोनों की। भाई सीट फोल्ड करो, थोड़ी सी जगह रह जावे इसमें, को मैं दिखाता हूँ। यो देख लो भाई, कितना स्पेस रहता है इसमें, स्पेस है बैक सीट के लिए भाई, फैमिली वाले तो यहाँ पे फैमिली के लिए बनी नहीं थार। यो सही बात है, बनी शौक के लिए थार, थार है शौक के लिए और ऑफ रोडिंग के लिए। इसमें फीचर्स कुछ ऐसे खास नहीं रखे, दो एयर बैग्स हैं, सिस्टम मैंने इसमें बाहर से लगवाया था, बहुत ही बेकार आया था। सिस्टम कौन सा था इसमें भाई? इसमें तो बस ऐसी कंपनी का जो आया था, जो भी था। अब इसमें कौन सा सिस्टम लगवा रखा है भाई? अब इसमें पूरा सेटअप डीडी का लगा हुआ है, मोटर कॉन्सेप्ट दिल्ली से। दिल्ली का? हाँ भाई, दिल्ली में बहुत ही जानी मानी है डीडी। हाँ डीडी, नहीं डीडी नहीं, मोटर कॉन्सेप्ट, मोटर कॉन्सेप्ट। तो इसके सेटअप के बारे में बताओ एक बार, सेटअप इसमें कैसे? सेटअप चार तो कंपोनेंट है अपने, दो तो यहाँ प्लेस हो गए, एक यहाँ पे, एक इधर प्लेस हो गया, इधर ये ट्विटर हो गए, इधर ट्विटर हो गए, और दो ट्विटर ऊपर हो गए, और दो ट्विटर कहाँ पे है? दो भाई ये, अच्छा ये ट्विटर है, ये दो ट्विटर है, ये भाई दो ट्विटर है, और ये दो हो गए, ये यहाँ पे कंपोनेंट है, एक इस साइड है और दूसरा उस साइड है भाई। ये इस साइड क्या चीज लग रही भाई? ये मोनो एम्प का है, ये मोनो एम्प में आता है बेस कम ज्यादा करने के। अच्छा, लिए मोनो एम्प लगा हुआ इसमें? जी भाई, इसमें दो एम्प लगे हुए हैं, एक मोनो एम्प, एक फोर चैनल एम्प, दोनों डीडी के हैं, और इसमें एक सबवूफर लगा हुआ है। सबवूफर भी दिखावेगा? जी भाई, ये सबवूफर का है, कम ज्यादा करने के। अच्छा, यहाँ पे हाई लो करने के लिए, सबवूफर के लिए। जी, कितना खर्चा आ गया टोटल इसमें सेटअप में? भाई इस सेटअप में टोटल 120,000 रूपए का खर्चा, 120,000 का, जिसमे अपने चार कॉम्पोनेंट है, चार ट्विटर है और एक मोनो एम्प है। जी भाई, यार एक वैसा है फोर चैनल एम्प जी, और एक हो गया अपना सबवूफर। तो भाई बात कर लेते हैं इसके ग्राउंड क्लीयरेंस की। तो ग्राउंड क्लीयरेंस इसमें आपको मिल जाती है 226 mm की, जो कि बहुत बढ़िया है भाई। देखियो ग्राउंड क्लीयरेंस इसकी बहुत है, 226 mm की इसके ग्राउंड क्लीयरेंस है। इसमें आपको मिल जाती है 150 bhp की पावर और 300 nm का टॉर्क, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा है, मतलब एक ऑफ रोडर के लिए परफेक्ट है। तो भाई इसकी बैक साइड से, तो बैक साइड में यहाँ से साइड में आपको मिल जाता है 4x4 का लोगो। इधर मिल जाती है LED टेल लैंप्स, LED है ना ये जी भाई। और इसमें इंडिकेटर ये जो है ये मिल जाता है, हेलोजन, हेलोजन मिल जाता है, बैक लाइट भी। इधर आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है पीछे ही। उधर मिल जाता है आपको भाई 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, और इधर मिल जाते हैं डेड रिफ्रेक्टर, और इधर मिल जाता है बूट को ओपन करने के लिए, बूट तो है नहीं साइड का ये। इधर मिल जाता है बॉडी कलर डोर हैंडल, और इसके ओपन करने का तरीका कुछ ऐसा है, पहले ये खुलेगा यहाँ से नीचे से, फिर ये मिरर उठाना पड़ेगा बैक साइड का, यूनिक तरीका है खोलने के लिए। इधर भाई यहाँ से रखा है अपना सबवूफर डीडी का है भाई, डीडी का है जी भाई, डीडी का सबवूफर रखा है। और इसमें भाई स्पेस की बात करें, स्पेस तो उसमें है ही नहीं भाई, स्पेस ही नहीं है, स्पेस तो उसमें है ही नहीं। ये नीचे की साइड क्या है भाई? ये रख रखा फैक्ट्री का सामान वामान ले जावा। अच्छा, तो भाई जैसा कि सुनने में आता है, लोग भी कहते हैं कि महिंद्रा थार है जो दबंगों की गाड़ी है, तो उसी के हिसाब का यहाँ पे एक सीक्रेट जगह आया है। ये खोल के दिखाओ भाई एक बार, ये देखिए जो जगह यहाँ पे, इसमें ऐसी दे रखी है, ढूंढने से जल्दी से मिलने की नहीं। भाई को तो पता है, मुझे पता है, इसलिए हमने एकदम ले ली। इसके ऊपर सामान भी रखा था, तो किसी को पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ पे स्पेस भी होगी। ये देखिए जो, एक बार बाहर निकाल दो भाई इसमें, एक बार ये देख लो इसमें भाई। समझ गए ना आप किस चीज के लिए आए हो? समझ गए होगे किस चीज के लिए आए हो, मैं उस चीज का नाम तो नहीं ले सकता, पर आप समझ गए होगे। तो भाई ऐसे नहीं बोला जाता इसको दबंगों की गाड़ी। इसमें कुछ ऐसी चीजें दे भी रखी है इसमें, इसके फ्यूल गेज की, यहाँ पे इसका फ्यूल गेज, और इसके फ्यूल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको मिलता है 57 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी, जो कि पेट्रोल में। अब देख लो कोई कह सके इसके नीचे स्पेस हो गई हो। आपको मिल जाता है इसके फुट स्टेप्स, इधर इसमें आपको मिल जाता है इसका साइड ग्लास जो कि फिक्स है, और इधर मिल जाता है इसमें आपके ORVM, ये एडजस्टेबल ORVM है, फोल्डेबल नहीं है, फोल्डेबल तो इसमें आते भी नहीं। इधर मिल जाता है आपको एंटीना, और इधर की बात करें तो यहाँ से फेंडर में आपको मिल जाता है इंडिकेटर जो कि साइड भी है। और बात कर लेते हैं इसके बोनट को ओपन करने की, तो इसमें बोनट को ओपन करने का तरीका कुछ यूनिक है। रखे कि पुरानी थार का कुछ तो इसमें
बिल्कुल एक बार इसको ओपन करके दिखावेगा, इसका ये हुड है ये ओपन करके दिखाएगा, एक बार ओपन कर दो, ये देखो यहाँ से पहले इसका लोगो हटाने पड़ेगा दोनों, उसके बाद होगा ये ओपन। ओपन करने का भी साइड से, इसमें फ्रंट से नहीं होता ओपन। तो देख लो भाई इसका पेट्रोल इंजन है, ये 2 लीटर का इसका पेट्रोल इंजन है, डीजल ऑप्शन के साथ भी आपको मिल जाएगी थार। तो भाई फिलहाल हम चल रहे इसकी ऑफ रोडिंग टेस्ट करने के लिए, कोई ऐसी जगह ढूंढ रहे हैं यहाँ पे इससे हम गाड़ी से ऑफ रोड कर सके। अभी स्टार्ट होगी थार की ऑफ रोडिंग, ऑफ रोडिंग के लिए जगह ठीक है वैसे। जो देख लो भाई ऑफ रोडिंग के लिए मतलब इतनी बढ़िया नहीं है पर जगह ठीक है। तो भाई ऑफ रोडिंग के लिए यहाँ पर कोई ऐसी जगह मिले नहीं, इसलिए जो जगह मिले जो हमें लगा कि यहाँ थोड़ी सी ऑफ रोड है उसमें हमने करके देखी, वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा होगा पर ठीक थे वहाँ से, मतलब ढलान वगैरह मतलब बढ़िया थे। कि राइड एंड क्वालिटी आपको कैसी लगी गाड़ी में इधर थार की? भाई सही है, चलाने में पूरा मजा आया, मतलब ऑफ रोड वाला फील सा आया थोड़ा। भाई मजा तो पूरा है, देख गाड़ी में स्मूथनेस है नहीं गाड़ी में बताओ? स्मूथ है लेकिन भाई थार के हिसाब से तो फिर अगर स्मूथ ही चाहिए थी फिर कोई और ही गाड़ी लेनी थी। मतलब स्मूथ नहीं मतलब रफ टफ है गाड़ी पूरी, मतलब किसी भी सिचुएशन में चलने के लिए हमेशा तैयार है, रफ टफ है बहुत किसी भी सिचुएशन में। बाकी भाई सस्पेंशन वगैरह अपने बढ़िया है इसके? हाँ भाई बहुत बढ़िया है, बॉडी सस्पेंशन मतलब ऑफ रोड के हिसाब से इतने हुए 2100 रुपए के इसके शोकर है। 2100 रुपए के? भाई 2100 रुपए का शोकर आ जाओ इसका। अच्छा 2100 रुपए का आ जाओ? हाँ भाई इतना सस्ता शोकर है। अरे भाई कंपनी ने ऑफ रोडर्स को देखते हुए यही एक चीज सस्ती बनाई बस, इसमें हर चीज महंगी है इसमें। हाँ हर चीज महंगी है भाई। तो भाई बाकी गाड़ी में बॉडी रोल वगैरह कुछ है? भाई बॉडी रोल 100 के पार है, 100 के बॉडी रोल है, 80 के बाद इसमें ऐसा लगे कि यहाँ से हवा आ रही कहीं से, यहाँ से हाँ लेकिन अती नहीं लेकिन लगे ऐसा। अच्छा लगा ऐसा कि मतलब अब वो हो गया ना फ्रंट मिरर थोड़ा मतलब खड़ा हो गया ना इसका, वो है ना। और इसका एक और ड्रॉबैक है क्या, फिर मिरर इसका इतना खड़ा हुआ है ना ये देखो। अच्छा यहाँ ये देखो भाई क्रैक आ रही यहाँ पे, ये मतलब कैसे आई थी? ऐसा है कुछ भी अब जैसे कोई चीज जा रही होगी रोड ही चटक के सीधी, अगर मिरर थोड़ा ऐसे होता हाँ। तो वो लग के ऊपर इसमें हाँ। सीधी डायरेक्ट इसमें डायरेक्ट टकरा गया, डायरेक्ट टकरावे यार भाई, यो दूसरी बार टूट लिया मेरा बस ठीक। मतलब गाड़ी मतलब भगाने का मतलब की नहीं है? भगाने का मतलब की नहीं है, 100 तो कोई दिक्कत नहीं है, 100, 110, 120 से लो कुछ नहीं पता चलता इसमें। दुनिया कह रहा है कि थार है 100 के बाद तो बस बिल्कुल हाथ से बाहर हो जा। हाँ। भाई हमने तो इसे देख सही बताऊं मैं तो इसे 180 चला रखी। हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, 150 तक तो मुझे नॉर्मल लगे, कंट्रोल में रहे भाई, इतने कंट्रोल टायर है, इतने बड़े टायर हैं बिल्कुल कंट्रोल में रहे गाड़ी। 18 इंची के टायर है भाई कंपनी, 18 इंची से टायर दे रही इसमें, तो भाई कंट्रोलिंग में कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं भाई कोई कंट्रोलिंग नहीं होती। हैंडल वाइब्रेट? हाँ स्टीयरिंग थोड़ा वाइब्रेशन करने लगा है 120 के बाद, 120 के बाद 100, 110 में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। फिलहाल अपने भाई का ओनरशिप रिव्यू ले लें एक बार भाई, एक बार अपनी महिंद्रा थार का पूरा ओनरशिप रिव्यू बता दो कि आपका कैसा रहा, कितना टाइम हो गया इसको? भाई मैंने ये फेब में ली थी, ईयर भाई इसी साल 2022 में ली थी। जी भाई बहुत बढ़िया भाई, 2022 में ली थी फरवरी में। तो भाई अब तक का 17,500 किलोमीटर चल चुकी है, 17,500। तो इसका ओनरशिप रिव्यू आपका क्या रहा 17,500 किलोमीटर तक? भाई सही है, अपना 17 लाख रुपए में बहुत सही चीज दे रहे हैं। और इसका मतलब वो बता दो एक बार सर्विस कॉस्ट वगैरह? भाई कुछ नहीं, मेरी पहली सर्विस हुई थी इसकी 10,000 रुपए जो हुई थी, 10,000 रुपए वो पहली तो फ्री थी जो 1,000 रुपए हुई थी, 10,000 रुपए जो हुई थी उसमें भाई जहाँ से 4,200 रुपए का खर्चा आया था मेरा। 4,000 उसमें क्या क्या चेंज हुआ था भाई? उसमें कुछ नहीं बस मोबिल ऑयल चेंज हुआ था और हाँ। जो ये क्या बोलते हैं ब्रेक ऑयल कूलेंट ये सब रिफिल हुए थे, बेसिक जो सर्विस हाँ, बेसिक जो सर्विस हो गया। अब भी इसमें ज्यादा कुछ नहीं, डीजल वाली में तो 8-10 हजार रुपए का खर्चा था। अच्छा पेट्रोल वाली में कमा हुआ है? हाँ भाई 6,000 रुपए का ज्यादा से ज्यादा अब आवेगा, 20,000 रुपए इसके जब ये भी चेंज होंगे क्या भाई इसके एयर फिल्टर वगैरह अब चेंज होंगे। जैसे भाई 4x4 है तो 4x4 की भी सर्विस वगैरह हुआ अलग से? नहीं भाई इसका 4x4 का ऑयल हो गया है, बस ऑयल डला है। अच्छा ऑयल डला है बस, वैसा सर्विस नहीं होती। हाँ भाई। और भाई वैसे भाई ओवरऑल भाई बात कर ले गाड़ी की तो गाड़ी बिल्कुल रफ टफ है,
कलर भाई की पसंद का है ये, वैसे ब्लैक कलर में बढ़िया लगा, पर वही बात है मेंटेनेंस। हाँ मेंटेनेंस की बात है भाई, जो मेंटेनेंस कर मतलब कर सकता है, जैसे रोज सफाई, रोज कपड़ा मारना गाड़ी पे, तो उसके लिए ठीक है। लेकिन हाँ अगर कोई रोज नहीं भाई डेली चलाने वाला तो भाई उसके लिए तो बेकार है ब्लैक कलर लेने। अब जैसे आपकी आपके घर के पास गाड़ी है, आपके पास स्पेस है, तो इसमें कोई वो नहीं है, कपड़ा भी लग जाता है, वही बात है ब्लैक कलर पे स्क्रेच वगैरह भी ज्यादा दिखता है। हमारा यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो यहाँ पे भाई हवा भी मिट्टी बहुत आती है। हाँ यहाँ तो अपना काम देख लो, गाड़ी साफ कर लो। हाँ ये दिक्कत है। नहीं भाई कलर बहुत बढ़िया है आपके गाड़ी का, ऐसी बात है कलर बढ़िया नहीं है, कलर बढ़िया है, रेड कलर में भी स्पोर्टी लुक सभी आ गया थोड़ा जी भाई। तो भाई ये थी अपना महिंद्रा थार का थोड़ा सा रिव्यू। ऑफ रोडिंग इसकी सही से होनी पाई, किसी दिन एक अलग वीडियो लाएगा इसमें प्रॉपर ऑफ रोडिंग होगी, क्योंकि भाई ने बताया था मुझे कि भाई यहाँ से जब बारिश का टाइम होगा तो यहाँ से ऑफ रोडिंग के लिए बढ़िया स्पेस हो जावे। जी भाई बहुत सही, बारिश के लिए मतलब वो हो जाए, मतलब किचड़ वगैरह हो जावे तो ऑफ रोडिंग बढ़िया तरीके से होगा। अभी तो सूखा हुआ है जी। ये देख रहा भाई मैं लाइट लगवा रखी है आपने, ये लाइट कितने की लगी थी भाई? ये 1500 रुपए की लगी थी। और ये यहाँ पे मतलब इसकी प्लेसमेंट कैसे हुई यहाँ पे, मतलब शीशे भाई होल करा रखे? अच्छा होल करा रखे। हाँ भाई भाई देख लो, अगर यहाँ पे लाइट वगैरह आपको लगाने तो यहाँ पे होल करवाने पड़ेगा पहले छत में, छत में होल हुए तो हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक है इसमें, ये नीचे वाली अलग है, इतना स्पेस तो इसमें करा रखे। अगर रूफ में करा देते लोग बाग ऊपर लगवा ले सुराख करवा गए तो वो फिर पानी लीकेज की अगर हटवानी हो खराब होगी या कोई भी दिक्कत है तो भाई पानी तो नीचे आएगा ना फिर। अच्छा ये छत पे इसीलिए नहीं लगवा रखी, वैसे तो ये छत पे लगाने की है लेकिन छत पे भाई होल्स करने पड़ते हैं चिपका के भाई, धूप में गर्मी में वो उतर जाती है, वो चलती नहीं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भाई ये था कुछ अपनी महिंद्रा थार का रिव्यू, आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगी होगी, बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। आज का ब्लॉग बस यही था, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल को नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। चलो ये देख लो इसका, ये जो लाइटें लगवा रहा, खैर मैं रिकमेंड नहीं करता पर लुक इनका बहुत बढ़िया आ रहा, ये देख लो।